सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आर्याज लाइफस्टाइल को और बेल आइकन को प्रेस करें। जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब भोलेनाथ की कृपा से बेहतर और खुशहाल होंगे। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये मॉर्निंग में ना, मैं सुबह ये 6 या 7 बजे के आसपास, तो मैं सबसे पहले उठ करके नहा ली थी, और मुझे क्योंकि मंदिर साफ़ करना था, ऐसे जनरली टाइम मिल नहीं पाता है डीप क्लीनिंग, एक्चुअली मंदिर का भी डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो बस ऐसे ही, ऐसे तो डेली पूजा करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साफ़ सफाई हो जाता है, बट कभी कभी ना मंदिर का भी डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और जब आप घर पे रहते हो ना, उसमें भी व्रत त्यौहार हो तो बहुत सारा काम हो जाता है। ये देखिए मैंने सारे बर्तन इकट्ठा करके रखा है। ऐसे मैं ना पूजा बर्तन जो है संडे का संडे साफ़ करती हूँ। बहुत सारे बर्तन हैं पूजा के लिए मेरे पास, तो रोज़ मैं यूज कर लेती हूँ, उसके बाद संडे एक दिन प्रॉपर बैठ करके उसको सफाई करती हूँ। और मंदिर में मैं ना झाड़ू नहीं लगाती, हमेशा कपड़ा से ही उसे साफ़ करती हूँ। उसके बाद जो ये मेरे पूजा के बड़े बड़े और छोटे जितने भी बर्तन थे, मैंने ऐसे तो पीतल वाले बर्तन जो होते हैं ना, उसे स्पेशली क्लीन किया जाता है पीतांबरी या फिर नींबू वगैरह से, बट मैं अभी जो है ना ऐसे ही जल्दीबाजी में साफ़ करें, किसी दिन बैठूंगी ना तो स्पेशली साफ़ करके एक उस पर वीडियो दिखाऊंगी। ये जो है ना मेरे बहुत सारे छोटे बड़े बर्तन हो जाते हैं, और सारे बर्तन को ना एक ही दिन साफ करना पड़ता है। मैं वीक में एक दिन जिस भी दिन हो जाए साफ कर लेती हूँ। ये पूजा रूम साफ उप करने के लिए अलग से एक कपड़ा रखा है मैंने, न्यू है, उसे बस इस तरीके से वो गंदा हो जाता है। उसके बाद में ना डेली पोछा लगा देती हूँ, या फिर कभी कभी इस तरीके से पानी डाल के पूरा, ये मेरा एक्चुअली पूजा मंदिर जो है ना एक बालकनी है, मैंने बालकनी को ही हाफ में करके उसे पूजा रूम बना दिया है, क्योंकि और कहीं पे जगह ऐसा था नहीं जहाँ पर हम उसे बना सकते थे। और एक पूजा रूम बनाने का जगह भी स्पेशली होता है, जैसे पूरब और उत्तर दिशा के कोने में बनाया जाता, तो मेरा यही वाला जगह था जिस पर मैं बना सकती थी, इसलिए मैंने पूजा रूम यहाँ पे बनवाया है। उसके बाद इस तरीके से मैंने सारे बर्तन को सूखने के लिए छोड़ रखा था यहाँ पे। हम और किट्टू जो है, किट्टू के लिए खाना बन रहा है, क्योंकि हमारा तो फास्टिंग था, मेरा भी और हस्बैंड का भी, तो हम लोग खाने वाले थे नहीं, तो किट्टू को मैंने कहा कि चलो थोड़ा हेल्प कर दो। और यहाँ मैं मूंग और चना जो पानी में भिगो के छोड़ने वाले थे, क्योंकि कल हम लोग का जब फास्टिंग ख़त्म होता तो फिर ये सारी चीज़ें ना बहुत मन करता है खाने का, इसलिए थोड़ा सा किट्टू को लगा रखा है मैंने काम पे। और थोड़ी सी हमारी मजाक मस्ती भी होती रहती है। ये देखिए ये मूंग है, ये मेरे घर का मूंग है, मतलब मेरे ससुराल से। वहाँ इस बच्चा को मैं इतना अत्याचार करते हैं, इस पर मेरे बच्चा पर इतना काम करवाते हैं। ये देखिए 2 और 2 4 आलू छीलने के लिए दिए हैं हम, ये देखिए 5 आलू है, बेचारा बच्चा आधा घंटा से नहीं छीन पा रहा है। ओह गौर से देखिए सत्याचारी माँ को कितना काम करवाती, क्योंकि आज है शिवरात्रि का दिन और सिर्फ किट्टू खाना खाएगा, और इसीलिए किट्टू को बोले कि 5 आलू छील दो,
क्या कर दिए हम, उनको सोयाबीन भूजना था, इतना सारा तेल था ठीक। और बोलो मेरे बारे में, क्या करेंगे, सारा तेल हमको निकालना पड़ जाएगा क्योंकि सोयाबीन इतना तेल में भूज नहीं सकते। और बोलो मेरे, ये किट्टू के चक्कर में मेरा सारा चीज जो है बेकार हो जाता है। पीरो सब जानती है क्या करता है यूट्यूब पीरो सब? मत सुना रिकॉर्डिंग। कोई प्रो प्रो नहीं होता है। कैसे नहीं आते? आपको इसमें सोयाबीन डालना है। मैं कैसे बोलता हूँ करो। ये देखिए इसका मुंह एक जॉम्बी की तरह लग रहा है। अभी मम्मा को डराते थे। और इसके बाद में ना ये कुछ सतानियाँ चल रही थी। एक्चुअली जब मैं किचन में रहती हूँ ना तो मैं किट्टू को अपने साथ खड़ा रखती हूँ। उसे क्या होता है ना कि हम उसे बातें भी कर लेते हैं और कुछ कुछ हेल्प भी करा लेते हैं। और ज़्यादा मौका ज़्यादा चीज़ होता है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं कि चलो हम भी किचन में खड़े हैं, वो भी कुछ ना कुछ करते, या तो मोबाइल देखेगा या तो फिर कुछ करेगा। तो उसे कहते हैं कि चलो मेरे साथ किचन में, कुछ वो भी सुनाता है, कुछ बात हम भी करते हैं, बस ऐसे ही अच्छा लगता है। आप भी बच्चों के साथ ना कभी कभी, आजकल जैसे जो है बच्चे घर पे रहते हैं तो उसके साथ आप ऐसा कर सकते हो, उसे अपने साथ किचन में रख सकते हो तो वो मोबाइल से हट के थोड़ा इधर उधर भी ध्यान लगाएगा मोबाइल टीवी से। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। ये जो चूड़ियाँ थी एक्चुअली न्यू चूड़ियाँ पहननी थी, मेरे पास न्यू थी नहीं, तो ये मम्मी ने दिया था मुझे दुर्गा पूजा में। मम्मी हर साल देती है दुर्गा पूजा में, हम लोग क्या सावन में और फिर शिवरात्रि में सबको चूड़ियाँ दिया जाता है, तो बस वही चूड़ियाँ रखी हुई थी न्यू, तो मैंने वही पहन ली। और फिर ये मैं आलता लगा रही थी क्योंकि फास्टिंग में हमारे यहाँ ना सब कोई हम लोग लगाते हैं। और ये जो साड़ी है ना बहुत पुरानी साड़ी है बट बहुत कंफर्टेबल, मुझे बहुत पसंद है। कुछ खास नहीं है बट पहनने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इस तरीके से तैयार हो गई थी और मैं आ गई थी मार्केट क्योंकि शिवरात्रि के दिन मम्मी कहती है कि चूड़ी लेना चाहिए, तो मैं सबके लिए चूड़ियाँ ले रही थी, दीदी लोगों के लिए, मम्मी दीदी। इतनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पास में ये दुकान है, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिलती हैं। सारे के सारे 100 करके थे, 2 पीस 4 पीस ऐसे थे 100 रुपीस करके, तो मैंने सबके लिए लिया। उसके बाद कुछ फ्रूट लेने थे और ये फूल ना डेली मेरे इसमें फ्लावर आते हैं बट आज तो बिल्कुल ही नहीं था। मैंने तैयारी कर ली अपना मंदिर जाने की। उसके बाद मेरे घर के जस्ट पास में ही एक मंदिर है, मेन मंदिर जो है ना यहाँ का बाबा मंदिर, वहाँ हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि इतना भीड़ होता है ना, लाखों। मैंने दूसरे दिन जब देखा ना लगभग 2-2.5 लाख के आसपास भीड़ था शिवरात्रि के दिन, तो इसलिए हम लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं। ये पास में एकदम छोटा सा मंदिर है और शिवलिंग जो है ना तो वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते क्योंकि इतना ढका हुआ था ना, फिर सब हटा के अच्छा नहीं लगता। ये मैंने किट्टू को कहा था सूट करने के लिए, वो इतना हिला हिला के कर रहा था ना कि मेरा पूरा वीडियो अच्छे से आया ही नहीं। और इस टाइम यहाँ भी बहुत भीड़ था बट मैं शाम के टाइम में गई थी तो इसलिए भीड़ बिल्कुल भी नहीं था। ये तो इतना छोटा सा मंदिर है ना, इसमें 2 से 4 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट हो सकते हैं, उसमें भी आप अच्छे से पूजा नहीं कर पाओगे। उसके बाद ये मैं घर में, ये मेरा छोटा सा शिवलिंग है, ये मेरा शादी हम लोग का जो होता है ना मधुश्रावणी होता है उसमें पूजा किया जाता है, लगभग 10-15-12 दिन जैसा होता है, उस टाइम में ये मिलता है ससुराल की तरफ से ऐसा आता है, तो वही वाला शिवलिंग है मेरा ये, तो हम उसको, ये चांदी का है, उसे ही पूजा करते हैं, पूजा रूम में रखे हुए हैं। और ये भोलेनाथ का छोटा सा फोटो है।
उसके बाद इस तरीके से मैंने ना चूड़ी अपने लिए एक चूड़ी और बिंदी और सिंदूर जो था वो मैं पूजा रूम में रखी थी। उसके बाद मैं ये मेहंदी लगाई थी और इसे लगा कर ना जस्ट 2 सेकेंड में मैंने इसे धो दिया था। ये देखिए उसके बाद ये सारी चूड़ियाँ मैं लेकर आई थी सबके लिए। ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ थी। मैं 2 डब्बा चूड़ी लेकर के आई थी मम्मी के लिए कि मम्मी को जो पसंद आएगा वो दे दूँगी। एक तो ये कांच वाली पतली पतली चूड़ियाँ थी, ये बहुत खूबसूरत लगा। और फिर एक जो था ये बिंदी मम्मी के लिए है बड़ी वाली, और ये एक बड़ी बड़ी चूड़ियाँ थी, ये 3 पीसेस का था, ये भी बहुत खूबसूरत था। तो मम्मी को जो अच्छा लगेगा। और ये वाली जो है ये बड़ी दीदी के लिए है। पता नहीं दीदी लोग को पसंद आएगी कि नहीं। और ये पूजा के लिए है मेरी छोटी सिस्टर के लिए। इसमें इस तरीके से ना ये राधा कृष्ण बना हुआ था, ये बहुत खूबसूरत। मैंने खुद के लिए भी इसी तरह का सेम लिया है, बट दोनों का साइज़ डिफरेंट है इसलिए मैं अपना नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो मैंने मंदिर में रखा हुआ था। और ये जो है मेरी छोटी दी के लिए है, वो मुझसे छोटी है पर हम लोग उसे छोटी दी ही बोलते हैं। और ये मैंने कुछ नेल पेंट लिए थे, मुझे नेल पेंट का बहुत शौक़ है। जब भी मैं देखती हूँ ना तो बिना लिए नहीं मानती। तो ये कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और एक ये ग्रीन वाली, ये उसमें से मैं 2 पूजा को दे दूँगी। और ये देखिए मेरा मूंग जो है रेडी हो चुका है, और चना भी सुबह के लिए। उसके बाद ये मेरा रात का फास्टिंग का था जो मैं फलार करने वाली, जलेबी जो है ना फलारी वाला गुलाब जामुन और जलेबियाँ यहाँ मिलती हैं। एक्चुअली मैं खुद बनाने वाली थी पर बना नहीं सकी, इतना थक गई थी ना। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, तो जब फास्टिंग टूटता है ना उस समय के लिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मैं लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमें आगे बढ़ने में और हेल्प कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।